जी मलिक साहब, आज हमें इन्वेस्ट आइडिया जनरेट स्केल में हमारे एक एक्सपोर्टर ने और एक इम्पोर्टर ने सवाल किया है कि खंजरा पास खुल गया है, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात मरतब होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो बॉर्डर ट्रेड है ईरान के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये बॉर्डर भी खोलने चाहिए ताकि मुल्क की इकोनॉमी को तकवीत मिले। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? शरी, जब हमने भी दोस्तों से रब्ता किया, पहले तो खंजरा पास जो है वो ऑपरेशनल हो गया, कोविड के बाद बंद कर दिया गया था, और मैं कोविड के फौरन बाद वहाँ गया था। तो वो सड़क का भी ज़ाहिर मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, ट्रक आना जाना नहीं था, तो सड़कों की भी वो केयर नहीं हुई। तो हमें चाहिए कि हम एक तो फौरी तौर पर करें, और खंजरा पास से हमें ट्रेड में आसानी, सिलक रूट है। असल मसला ये है कि जो कुछ हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं उसी लेवल पे हमें ट्रेड बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही। इसके लिए हमारे जो इदारे हैं, पिबट है, हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, हमारे कमर्शियल अताशीज़ हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, उन सबको मिलके ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। मोस्ट फेवरेड नेशंस का स्टेटस हम दे देते हैं, वहाँ से तो हमें ट्रेड आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वेल अवेयर्ड है। हमारे लोग उस तरह अवेयर्ड नहीं है, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट वहीं से शुरू हो जाता है। जब मैं कम माल भेज रहा हूँ या कम वैल्यू का माल भेज रहा हूँ, देखें, अगर एक किराया का ट्रक जो है वो इधर से इधर आता है या जहाज आता है, तो शाह जी उतने ही पैसेंजर लेके या उतने ही माल लेके वो दूसरी तरफ जाएगा तो किराया कम लगेगा, बिल्कुल सही, वरना ट्रांसपोर्टर एक साइड पे जिधर से ज्यादा है उसका रेट ढूंढ लेगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, अभी शबाज शरीफ साहब ने कहा, जी मुबारक हो और दावतें और मुबारकबादें और सारा वो एक्सचेंज हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना पड़ेगा कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको लिए क्या कितने प्रिपेयर हैं कि इस खंजरा पास को हम क्रॉस करके चाइना को भी बेनिफिट दें, अपने लिए भी अपने बेनिफिट बेनिफिट लेके ले आएँ सकते हैं। और इलाके के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट करें। बिल्कुल सही, वहाँ पे इवन बाथरूम देखे ना आपने, कंटेनर बॉक्स रखे हुए हैं, लेकिन उन बाथरूमों का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं और वो नहीं है। फिर इसी तरह वहाँ पे एक सेंटर बनाया हुआ है जिसको हमें लाइव करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेशंस के इश्यूज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी ट्रेड बैलेंस होकर जा रही होगी तो चाइना भी हमारे साथ खुल के ट्रेड कर सकेगा, हम भी चाइना के साथ और दुनिया के साथ खुल के ट्रेड कर सकेंगे। थैंक यू।